वो जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई लिखते हैं रामकृष्ण वैद्य हैं और दुकान पर चून की, तो वो वैद्य नहीं है, वो तो एक सरनेम सा बन गया उनका, एक परंपरा उस वैद्यों वाली परंपरा में जन्म है उसका। ऐसे जो ब्राह्मण हैं ये अन्य कार्य करते हैं आम व्यक्ति नागरिक की तरह, जैसे किसान है, कोई नौकरी करता है, कोई और दुकान करता है, तो ये वो ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों से यहाँ कोई लिंक नहीं है। ब्राह्मण गुरु पद पर जो व्यक्ति विराजमान है वो ब्राह्मण कहलाता है, जिनको ऋषि कहा करते थे, आचार्य कहा करते थे, वो उन ब्राह्मणों से लिंक है। तो उसमें परमात्मा का विरोध किया करते थे कि कबीर झूठ बोलता है कि किसी भी शास्त्र में ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु नहीं लिखी, माता पिता नहीं लिखा, इनकी जन्म मृत्यु नहीं है, ये तो अजरो अमर हैं, मृत्युंजय हैं, सर्वेश्वर हैं, ये तो कालज्ज हैं, ऐसे गप्पे मारा करते ये जो नकली गुरु। अब परमात्मा क्या बताया करते थे, के बेटा जाया खुशी हुई, खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लग्या हुआ है ज्यो कीड़ी का नाल, 1 लाख प्रतिदिन ये काल खा रहा है और 1.25 लाख उत्पत्ति कर रहा है, 25% एक्स्ट्रा जन्म देता है ये मनुष्य का, और मनुष्य जीवन को बर्बाद करवा के फिर 84 लाख योनियों में ये सब अन्य प्राणियों की योनियों में ये भेज देता है, ठिकाने लगाने के लिए इसने 84 लाख हमारी और बेड़ियां बना रखी हैं। आज पुत्र उत्पन्न हुआ, जैसे राजा लोग तो बैंड बाजे बजा के खुशी प्रकट कराया करते, लड़का हो गया, और गरीब आदमी का लड़का हो जाता थाली बजा लिया करता, डंडी गया डंडी मारा करते थाली गए, और आसपास सबको पता होता था कि उनके बच्चा होने वाला है, थाली की आवाज़ सुनकर अंडरस्टूड हो जाता था कि उनका लड़का हो गया, लड़का उत्पन्न हुआ है। अब परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लग्या हुआ जो कीड़ी का नाल। अब एक व्यक्ति के शादी के बाद लगभग 12 वर्ष के बाद लड़का हुआ, खुशी मनाई, कई गांवों का निमंत्रण दे दिया, लाखों रुपये खूब खर्च किए, गाने बजाने करवाए, और अगला वर्ष जन्मदिन नहीं मना पाए, वो लड़का मर गया। अब टक्कर मारे, परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लग्या हुआ जो कीड़ी का नाल। अब जैसे प्रसंग चला था कि जैसे कसाई बकरे पालता है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये काल हमें ऐसे यहां रोके हुए ऐसे पाल रहा है। कबीर परमात्मा परमेश्वर सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्मा जो अच्छी आत्मा है जहां पर ये ज्ञान समा सकता है उसको सुनाते हैं, धर्मदास जी को बता रहे हैं कि धर्मदास जिस लोक में तुम रह रहे हो यहाँ का स्वामी ये काल है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, और इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित खाने का श्राप लगा हुआ है, और इसने ये ऐसा समझो जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था करता है वो कसाई, बकरे और बकरियों के लिए वह नर्मादा दोनों को छोड़ देता है, और जिसकी अच्छी कंजम्पशन है डेली या हफ्ते की वो बहुत लंबा चौड़ा एक स्थान बनाता है, चारों तरफ उसका वो लगाता है, बाड़ लगा देता है, उसी के अंदर एक जलाशय बना देता है, घास फूस उसके अंदर ही घास जाड़ बोझड़े होते हैं, एक लंबे क्षेत्र को वो परचेज करके वहाँ उन बकरों को पालता है, और उनके लिए शेड बना देता है, पहले घास फूस के डाल दिया करते थे गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए।
अब वो कसाई जाता है उन बकरों को संभालने के लिए, और वो बकरे उसको अपना मालिक जान के, ये सोच करके देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं कर रहा है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, कितनी देखभाल करे है, जल पिलाता है, चारा चराता है। और कसाई आकर के ऐसे उनको हाथ लगाकर देखता है, और वो बकरे उसको जीभ से चाटते हैं और ऐसे पैर उठाकर अगले सीने से लगाना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, ये जान करके कितना नेक व्यक्ति है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं कर रखी है इसने। पुण्यात्माओं, ये पशु पक्षी भी मनुष्य जीवनी से ही गए हुए हैं। और जैसे कोई भैंस को संभालता है प्रतिदिन, या गाय को, बैल को, इस दास का जन्म किसान परिवार में था इससे अच्छी तरह परिचित है, जो व्यक्ति प्रतिदिन उन पशुओं को चारा डालता है, जब वो जाता है वहाँ उनके पास, तो उसको चाटते हैं, प्यार देना चाहते हैं, और उसको ऐसे प्यार से स्पर्श करते हैं, ये समझ कर ये हमारा बहुत प्यारा है, हमें पानी पिलाता है, चारा डालता है, अच्छा जो है आटा वगैरह डालकर खिलाता है। इतनी सेंस प्रत्येक प्राणी में होती है, कौन हित कर रहा है, कौन अहित कर रहा है। लेकिन उससे आगे बुद्धि नहीं उनकी, वहां तो उनको वो एक अच्छा व्यक्ति लग रहा है कि देख हमारी कितनी सुविधा कर रहा है, और जब वो आकर के हाथ लगाता है, वो सोचते हैं ये तुम्हारे से प्यार करने आया है, और वो देख रहा है यूं कि यूं बकरा कितना मांस हो गया, इसमें कै किलो का हो गया यो, और वो उससे प्यार करते हैं। अब एक फर्स्ट इम्प्रेशन तो उसका ऐसा लगता है जैसे बड़ा दयालु आदमी है, और फिर जब किसी का ऑर्डर आ जाता है 10 बकरों का, फिर वो लाठी लेकर, डंडा लेकर उसको निकाल ले जाता, किसी का बेटा आओ, चाहे किसी की माँ आओ, किसी की बेटी आओ, बहन आओ, वो ना देखता है किसका के है, उन मोटे मोटे छांट के और निकाल लेने, और फिर उनको कड़च कर देता है। कुछ देर तो उन बकरों में कलबलाहट मच जाता है, जब वो निकाल कर ले जाता है, उनको पता लग जाता है ये आज गए कितना, ये वापस नहीं आएंगे, ऐसे चारों तरफ घूमते फिरते बचते वहीं पर, और रोने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद फिर वैसे ही सेटलमेंट हो जाती है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि तुम जिसको भगवान मान रहे हो तो कसाई है तुम्हारे लिए। अब यहाँ हम देखते हैं कितनी अच्छी पृथ्वी, कितने अच्छा नीचे जो है ना मीठा जल, झरने बह रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, शीतल हवा बह रही है, अच्छी मौसम बना रखा है, खाने पीने के लिए काजू किशमिश सेब संतरे ज्वार बाजरा गेहूँ चने ये खूब ठाट दे रखे हैं। अब इस दृष्टिकोण से देखें तो ये भगवान ना पड़ा है, हमारे लिए कितनी सुविधा बना रखी है। और जब ये देखते हैं किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक परिवार के 3 मर गए एक ही एक्सीडेंट में, अक्षेत्र का अक्षेत्र किसी ना किसी कारण से नष्ट कर डालता है, 100 बहाने बनाता है, भूकंप आ गया कि तो साइक्लोन आ गई कि तो कुछ आ गया, और कई कारणों से एक्सीडेंट से। तो पुणात्माओं, ये काल है और इसने हमें केवल यहाँ खाने के लिए ही रोक रखा है, इसलिए इसने परमात्मा का नाम और निशान मिटा दिया और स्वयं परमात्मा बन बैठा। परमेश्वर की वाणी में लिखा है, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। ये काल कहता मैं ही भगवान हूं और कोई परमात्मा नहीं है। अपने आत्माओं, जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे, ये लोक वेद आपका हृदय डटे को, ये मौखिक ज्ञान तो दास दे रहा है, ये लोक वेद आपको इस मौखिक ज्ञान को टिकने नहीं देगा। और जब प्रमाण आपके समक्ष होंगे आप गद गद हो जाओगे, क्योंकि फिर ये एक बहुत बड़ा वजन हृदय पर हो जाएगा, एक छाप लग जाएगी हमारे अंदर के सचमुच हम गलत ज्ञान ग्रहण कर रखा था, गलत ज्ञान में आश्रित थे। अब विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु जी का प्रथम रूप तो ऐसा है जैसे भगवान हो,
पुरुष जैसा, पुरुष माने प्रभु, लेकिन उसका परम रूप काल है। अब विष्णु पुराण के अंदर ये दोनों का विवरण है। जैसे ये काल जो है, आपको आज सत्संग में सुनाया था कि इस काल ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी भी किसी के समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होऊंगा। इसका वास्तविक रूप क्या है, जो गीता जी भी इसने 11वें अध्याय में दिखाया और सुनाया और बताया कि अर्जुन ये मेरा विराट रूप है, ये तेरे से पहले ना किसी ने देखा और आगे कोई नहीं देख सकता, 11वें अध्याय के 47-48 में। और वो काल रूप है, इसका वास्तविक रूप है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहा है कि ये मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आता, अपनी योग माया से मैं छुपा रहता हूँ। ये बुद्धिमान जन समुदाय मुझे जन्म लेकर आया हुआ मनुष्य मान रहा है, श्री कृष्ण मानता है, मैं कृष्ण नहीं हूँ। तो इस प्रकार ये काल जो है अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं देता। और कहता फिर 11वें अध्याय के 48-49-85-51 तक क्या कहता है कि मेरा चतुर्भुज रूप, जब अर्जुन ने प्रार्थना की भगवान आप अपने चतुर्भुज रूप में आइए, क्योंकि अर्जुन उनको विष्णु मान रहा था, वो जो भयंकर रूप दिखा रहा था श्री कृष्ण में प्रवेश करके, फिर उसने चतुर्भुज रूप धारण करके फिर दो रूप में आ गया, कृष्ण वाला रूप दिखा दिया। तब वो काल कहता है कि ये मेरा रूप जो चतुर्भुज तूने देखा विष्णु रूप, ये भी सबको प्राप्त नहीं, ना वेदों वर्णित विधि से, ना क्रिया से, ना जप से, ना तप से, किसी प्रकार से नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से और किसी पर कृपा करके दिखाता हूँ। तो जैसे किसी साधक ने वेदों अनुसार साधना की, परमात्मा पाने के लिए मेडिटेशन किया, समाधि लगाने की चेष्टा की, समाधिस्थ होना चाहा परमात्मा के दर्शनार्थ, तो इस काल ने आके विष्णु रूप में दर्शन दे दिए उसको, अपने पुत्र विष्णु के रूप में दर्शन दे दिए। तो वो ऋषि समाधि छोड़ देता है और दौड़ा दौड़ा सबके पास जाता है कि ये विष्णु जी ही, ये देवता जो विष्णु है सतोगुण, यही पूर्ण परमात्मा है, मैंने समाधि दशा में उसके साक्षात्कार किया है। तो ऐसे उसने लोक वेद बना के हजारों की संख्या में उनको भ्रमित कर डाला काल प्रेरणा से। तो ऐसे ही विष्णु पुराण के अंदर जो वक्ता है ऐसे भ्रमित है, वहां पर वो विष्णु भी लिख रहे हैं और उसको काल भी लिख रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अनुवादक हैं श्री मुनि लाल गुप्त, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। प्रथम अंश अध्याय नंबर 2 श्री विष्णु पुराण और पृष्ठ नंबर 4 पर नीचे आ जाइए, अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 15 में, ये श्लोक नंबर 15 है। हे द्विज, यानी पुराण वक्ता बोल रहा है, हे द्विज किसी को ज्ञान दे रहा है इसको, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। ये काल को कहते परब्रह्म कहे हैं, किता अक्षर परब्रह्म कहे हैं, किता ब्रह्म कहे हैं, किता विष्णु कहे हैं। अब देखना, हे द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, पुरुष माने प्रभु, यानी फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसा लगता है जैसे भगवान पड़ा है। तो और अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, ये अर्थ नहीं होता इनका। अव्यक्त माने निराकार, जो छुपा रहे, और व्यक्त माने जो साक्षात सामने दर्शन दे। अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं और काल उसका परम रूप है। ये काल है, इसको विष्णु कहो, महाविष्णु कहो, जो इस सतगुण विष्णु का पिता है, और काल उसका परम रूप है, असली रूप तो उसका काल है। यहाँ देखिएगा, अब ये 4 पृष्ठ पर आपने पढ़ाई, 5 पर देखो। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के यानी इस काल के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर, प्रकृतियाँ दुर्गा है, इसकी पत्नी है, जब ये प्रलय हो जाता है दुर्गा को अलग छोड़कर ये एक बार वहाँ पहुँच जाता है,